इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप लोगों को वॉइस मिल रहा है आपको? चलिए शुरू करते हैं। अभी देखिए लोग अभी शायद क्लास पहले वाला क्लास खत्म नहीं होगा, तो देखिए हमारे पहले स्टडीज समझ लीजिए कि जैसे एक मैक्सिमम मार्क कैसे लाया जाए। सिलेक्शन मेन यहाँ पे मुद्दा है, टाइम और सिलेक्शन। अगर इस बार पोस्ट बहुत ज्यादा है, अगर सिलेक्शन नहीं होगा या फिर मैंने कब होगा क्या नहीं होगा, आएंगे। ठीक है, स्ट्रेटेजी क्या है, हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे या होंगे हम मैक्सिमम क्या होगा, टेस्ट सीरीज टाइप का हमको क्वेश्चन आपको अब से हमसे हम मतलब इसका डिस्कशन करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी उसमें होंगे। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं और उसका क्या टेंडेंसी है उसको ज्यादा हम फोकस करेंगे, क्योंकि देखिए सिलेबस बहुत ज्यादा है, उसका एक एक पॉइंट को अगर आपको डिस्कशन करना है बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए यही स्ट्रेटेजी सबसे बढ़िया रहेगा कि हम इसके जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को ज्यादा ज्यादा क्या होता है कवर कर सकते। नहीं तो क्या पढ़ना बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हैं लेकिन इसमें क्या होगा बहुत सारी चीजों को हम जो मेन पॉइंट है जिससे एग्जामिनर ज्यादा ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन पूछते हैं वहां तक हमें पहुंचना है, इसलिए क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करेंगे। और ऐसे तो हम जो भी टॉपिक है उसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे और क्वेश्चनों पर ज्यादा फोकस करेंगे। आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है, आपको लग रहा है रिकॉर्डिंग हो रहा हाँ सर, हो रहा है। है? देखिए क्या आप लोग देखिए आपका चार सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है और आपका इकोनॉमी है। आपका कौन सा सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में, वो सर तो जरा हिस्ट्री और ज्योग्राफी। अच्छा तो वो तो मजबूत होंगे, तो कोशिश करेंगे कि इकोनॉमी और जो पॉलिटी है उस पर ज्यादा फोकस करें पहले पहले, लेकिन सबको करेंगे टाइम भरपूर हम देने की कोशिश करेंगे, इसमें घबराइएगा मत। लेकिन क्या है जो आपका कमजोरी वाला या मतलब कमजोरी तो से कम पड़े हैं उसको ज्यादा फोकस करेंगे। ऐसे तो क्या बहुत दिन पढ़ेंगे हो तो सारे की चीज क्या होता है बराबर हो जाता है, तो उस पर भी एक नजर रखना पड़ता है। देखिए आज हम थोड़ा सा हिस्ट्री के पहले टॉपिक पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आपका मीडियम क्या है उसी हिसाब से मैं नोट्स बनाऊंगा ना, इसीलिए होगा हिंदी या इंग्लिश है? तो हिंदी हाँ तो ठीक हिंदी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहला टॉपिक आपका जो है उसमें है प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत, और उसमें दो चीज बताया बताया गया, एक है आपका लिटरेचर यानी साहित्य और दूसरा है आपका पुरातत्व यानी जो आर्कोलॉजी। दो टॉपिक आपका उसमें है, एक क्या है कि हमें जो हमारा एंशियंट इंडिया है उसको समझने के लिए हमें क्या क्या उन्हें किन चीजों से उनको समझ सकते हैं कि एंशियंट इंडिया में क्या था और क्या नहीं था। ठीक है, दो चीज है, किताबों में जो चीज हमें लिखा गया है उसमें बहुत सारे बड़ा चढ़ा कर भी लिखा गया होगा, और मेनली जो किताबें हैं प्राचीन काल की वो अधिकतर धार्मिक किताबें हैं, ऐतिहासिक किताबें नहीं है। आपको मालूम होगा कि भारत का पहला जो ऐतिहासिक किताब है वो है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो 12वीं सदी में लिखी गई थी उससे पहले जितने भी किताबें लिखी गई है वो क्या है धार्मिक किताबें हैं, और जो धार्मिक किताबें होंगे तो उसमें क्या है अध्यात्म और जो भी क्या धर्म के जिस बारे में क्या होगा ज्यादा चीजें उसमें बताई गई होगी। और एंशियंट इंडिया में देखिएगा जो ये राजतरंगिणी है वो एंशियंट इंडिया में तो लिखा नहीं गया, वो मेडिवल में लिखा गया, यानी एंशियंट इंडिया में समझ लिया कि कोई भी ऐसा भारत के पास बुक नहीं है जिसके माध्यम से क्या है हम इन चीजों को समझ सकते, इन चीजों को समझ सकते। देखिए साहित्य में भी दो तरह के साहित्य है उस समय के, एक को कहते हैं लौकिक साहित्य और एक को कहते हैं अलौकिक साहित्य, यानी उसको दो भागों में सिंपल से अगर बांटे एक धार्मिक पुस्तकें और एक आधार्मिक पुस्तकें। आधार्मिक मतलब आधार्मिक तो नहीं कहेंगे यानी सामान्य पुस्तक जिसे कह सकते हैं। ठीक है, धार्मिक पुस्तकों में क्या है यानी जो ग्रंथ है उसमें हमें क्या है वेद पढ़ना है, वेदों के बारे में क्या उसमें इंफॉर्मेशन है, उसके बाद क्या है वेद का जो व्याख्या की गई है उसको हम कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ है, और ब्राह्मण ग्रंथ के बाद जो लिखी गई उसको आरण्यक कहते हैं, और आरण्यक के बाद जो ग्रंथ लिखी गई है उसे कहते हैं आपका उपनिषद या वेदांत कहा जाता है। यानी वैदिक ग्रंथों का अंतिम ग्रंथ कौन सा है, वेदांत या आप जिसे उपनिषद कहते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड बना रहा हूँ समझ लीजिएगा। देखिएगा
मेनली जो जिसे आप सनातन धर्म या वैदिक धर्म कहते हैं उनमें यही चार बुक है। कौन कौन सा? वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, आर्यानयक है और आपका वेदांत या उपनिषद है। यही चार क्या है? धार्मिक ग्रंथ कहा जाता है। यही चार ग्रंथ क्या होता है? धार्मिक ग्रंथ कहा जाता है। धन्यवाद। चार धार्मिक ग्रंथ कौन कौन सा है? वेद है, आपका ब्राह्मण ग्रंथ है, उसके बाद आर्यानयक है और उसके बाद आपका क्या है? उपनिषद है। इसलिए उपनिषदों को क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जो वर्तमान का जो हिंदू धर्म है, वर्तमान का जो हिंदू धर्म है वो बुरी तरह से वेदांत दर्शन पर टिकी हुई है। आप लोग जानते हैं कि वर्तमान में हमारे देश में जो नव हिंदुवादी का जो टैग जिसे दिया जाता है, जिसको स्वामी विवेकानंद जिसे कहा जाता है, तो नव हिंदुवाद में जितने भी दार्शनिक हुए हैं उन सभी ने क्या, अधिकतर लोगों ने क्या वेदांत को माना है। केवल एक व्यक्ति को छोड़कर, ध्यान रखिएगा, दयानंद सरस्वती ने वेदांत पर से ज्यादा क्या वेदों पर ज्यादा ध्यान दिया है। दयानंद सरस्वती के छोड़ दीजिएगा, चाहे राजा राममोहन राय को देखिएगा, चाहे विवेकानंद को देखिएगा, इन लोगों ने क्या है वेदांत यानी जो उपनिषद है उपनिषदों पर बल दिया है। यानी आधुनिक में जो हमारे जो दर्शन जिसे कहते हैं, जिसको आप फिलोसफी कहते हैं, इस फिलोसफी का जो मूल आधार है वो क्या है? उपनिषद है। उपनिषदों में दर्शन का होता है और उपनिषद के बाद ही क्या है गीता लिखी गई है। ध्यान रखिएगा, अभी इसमें महाकाव्य भी आएगा, दो महाकाव्य रामायण और जो महाभारत है ना, ये जो रामायण और महाभारत में भी जो महाभारत में जो गीता लिखी गई, जिसको भागवत गीता कहते हैं, वो क्या है उपनिषदों के बाद लिखी गई है। उपनिषदों में बहुत सारे ऐसे दर्शन है जिसका उल्लेख क्या है आपके जो भगवत गीता ने की गई है। तो एक बार हम लोग उसको तो देख लेते हैं कि क्या क्या ग्रंथ में आ रहा है। देखिए, सबसे पहले अगर आपसे बात करें तो सबसे पहले आपका क्या आता है? वेद, यानी जो धार्मिक साहित्य की हम अगर बात करते हैं, तो धार्मिक साहित्य में अगर हम आपसे बात करते हैं, धार्मिक साहित्य में देखिए सबसे पहले आता है वेद। वेद के बाद आता है आपका ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आता है आर्यानक, और आर्यानक के बाद आता है आपका उपनिषद। ये देखिए, ये धार्मिक ग्रंथ है। ये जो सनातन धर्म है इसका धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, या इसे कह सकते हैं लौकिक ग्रंथ कहते हैं। लौकिक मतलब ऐसे ग्रंथ है जिसमें जो लौकिक जगत है, लौकिक मतलब जो अंतरिक्ष की बात करते हैं या जो यहाँ पे मौजूद नहीं है जिसकी बात करते हैं, उस ग्रंथ कहा जाता है। तो ये क्या है, इसको कहते हैं हमें धार्मिक ग्रंथ कहते हैं या लौकिक ग्रंथ कहते हैं। उसके बाद देखिए आते हैं आपका पुराण। पुराण का नाम सुने होंगे आप लोग, 18 पुराण है। पुराण के बाद आपका आता है स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ और एक आता है सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य की बात की है। देखिए, इस ये जो ग्रंथ है ना, इन ग्रंथों में धार्मिक चीजों का ज्यादा उल्लेख नहीं किया है। देखिए, पुराणों में क्या किया गया है, जो हमारे प्राचीन राजवंश है ना, इसमें प्राचीन राजवंशों का उल्लेख किया गया है। प्राचीन जो राजवंश थे यहाँ पे, उनके उल्लेख किया गया। जैसे मत्स्य पुराण का नाम सुने होंगे, उसके बाद विष्णु पुराण का नाम सुने होंगे, तो इस तरह से जो पुराण है उसमें। स्मृति ग्रंथ क्या है? कानूनी ग्रंथ है। इसमें कानून के बारे में, लॉ के बारे में बात है। आपको मालूम होगा यहाँ पे अंग्रेजों के आने से पहले भारत में जो कानून व्यवस्था होती थी, यानी जो न्यायाधीश या न्याय व्यवस्था था, वो स्मृति ग्रंथ के अनुसार चलते थे। और पहला स्मृति मनुस्मृति है, और मनुस्मृति बहुत ही प्रसिद्ध है। ध्यान दीजिएगा, स्मृति ग्रंथ कैसा है? कानूनी ग्रंथ है। आपको अभी आगे बताएंगे, जो जब वॉरेन हेस्टिंग आए थे तो उन्होंने भारत में क्या है कोड ऑफ कंडक्ट लाया गया था, यानी कानून की संहिता बनाई गई थी। तो उसमें क्या है मनुस्मृति, और मुसलमानों में क्या था, उनका जो शरीयत था उनको हटा के उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया। ठीक है, सूत्र साहित्य में क्या था? सूत्र साहित्य में जो हमें शब्दकोश है,
इसको आप कह सकते हैं व्याकरण की जितनी बोली है, भाषा है, संघ है, इसके बारे में पूछे, यानी इसमें व्याकरण के बारे में बताइए। और इसमें एक बार और जानिएगा, इसमें विभा के बारे में इस पर पूछे बताइए। आपको मालूम होगा हमारे इन ग्रंथित साहित्य में 8 प्रकार के विभा के बारे में बात की गई। और इसमें व्याकरण, व्याकरण में देखिए कैसे, तो शब्द किसे कहते हैं, कैसे बनते हैं, उसके बाद कहाँ पे कैसे होता है। जैसे देखिए इसी साहित्य के आसपास आप लोगों ने सुना होगा एक व्यक्ति का नाम, जिनका नाम था पाणिनि। पाणिनि ने अष्टाध्यायी का रचना इसी समय किया, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी का रचना। ये क्या है, भारत का पहला व्याकरण पुस्तक है जो संस्कृत में लिखी गई। तो पुराण क्या है, प्राचीन राजवंशों का बारे में उल्लेख करता है। स्मृति ग्रंथ है, कानून के बारे में बताता है, लॉ के बारे में बताता है, सूत्र साहित्य, व्याकरण और विभा के बारे में बताता है। वेद क्या है समझ लीजिएगा, कभी समझ लीजिएगा, ये स्तुति के बारे में बताता है। स्तुति मतलब प्रार्थना, यानी भगवान से कुछ मांगने के लिए बताते हैं, भगवान से प्रार्थना की जाती है, मुझे ये चाहिए, चीज चाहिए, और उसके बदले में मैं यज्ञ करूंगा या जो भी कर्मकांड करूंगा उसके बदले में हमें कुछ दीजिए। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है, जो वेद है वो पद्य में लिखा गया है, उसका व्याख्या किया जाता है, एक्सप्लेनेशन किया जाता है, क्योंकि जो पद्य है वो थोड़ा तो कठिन होता है और जो गद्य होता है थोड़ा सरल होता है। आरण्यक क्या है, इसमें क्या है, जंगल वनों में लिखा गया है। वनों में जानते क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि पहले प्राचीन काल में जीवन को 100 वर्ष मान के चलते थे। जीवन को कितने वर्ष वर्ष मान के चलते थे, 100 साल मान के चलते थे। इसमें पहले 25 वर्ष, उसके बाद 25 वर्ष, उसके बाद 25 वर्ष, और उसके बाद 25। ये क्या था, बाल्यकाल होते थे जिसमें अध्ययन वगैरह करते थे। 25 से लेके यहाँ पर 50 साल हो जाएंगे, तो 50 साल में जो गृहस्थ होता था ये मेन आश्रम हुआ करता था। उसके बाद बानप्रस्थ होता था, बानप्रस्थ कहते थे। और बानप्रस्थ में देखिए, बान मतलब जंगल, जंगलों में क्या लिखा गया, आर्यनगर। देखिए आर्यनगर का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में क्या क्या अनुभव प्राप्त किया है उनको लिखना। आप लोग एक देश का नाम सुने होंगे आप लोगों ने, आइसलैंड। आइसलैंड में ये कंपलसरी है, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में 2 किताबें लिखेगा, और कम से कम क्या होता है, 100 किताब उनको पढ़ना पड़ेगा जीवन में, एक जिसका भी किताब पढ़े, जीवन में 2 किताबें लिखना कंपलसरी कर दिया गया। जिससे क्या होता है कि अगर मान लेते किसी की कोई थॉट बहुत अच्छा निकल गया और उस थॉट से कोई अच्छी चीज बन पाए तो अच्छी बात है। और यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ किताबें कोई पढ़ना ही नहीं चाहते, दिक्कत है। तो वानप्रस्थ में क्या लिखा गया है, आर्यन्यक, जो अपने जीवन के जो ग्रस्त में जो जीवन का अनुभव, कहते हैं मेन जो जीवन है यही है ग्रस्त जीवन। इसी में क्या होता है, सबसे ज्यादा दुख होता है, सबसे ज्यादा सुखी होता है, सारे झंझट इसी में होता है, सभी खुशी झूठी झूठ वगैरह जितने भी होना है सब ग्रस्त में होता है। मार काट जितने भी आप देखेंगे, ना तो वानप्रस्थ में लड़ाई झगड़ा होता है, ना तो आपका संन्यास जीवन में लड़ाई झगड़ा होता है, जितने भी चीज होता है सब ग्रस्त होता है। अब बाल्य अवस्था में तो जानते हैं बहुत ही आनंदित जीवन होता है इसलिए। और उपनिषद देखिए क्या है, उपनिषद एक प्रकार का क्या है, ग्रंथ है जिसमें उपदेश दिया गया है, यानी क्या है, यानी गुरु के समीप, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, यह है उपनिषद का बात है। और जब गुरु के समीप ज्ञान प्राप्त करेंगे तो यहाँ पे देखिए गुरुकुल पद्धति का जनक माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए भारत में गुरुकुल पद्धति का जनक कहाँ से माना जाता है, तो उपनिषदों से माना जाता है, यानी उपनिषदों से माना जाता है गुरुकुल पद्धति, यानी जिसको कहते हैं आप ये वर्तमान समय में हॉस्टल लाइफ, जिसको अंतेवासी कहा जाता है, यानी गुरु शिष्य आपस में एक ही जगह पे रह के जहाँ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं अब शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जो गुरु टैगोर जी है, यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो शांति निकेतन का जो स्थापना किया ना, इसी सिद्धांत पर किया गया। या दूसरा आप लोग देखेंगे जो उत्तराखंड में जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जो बनाया गया था, तो उनका भी उद्देश्य क्या था, इसी गुरु शिष्य परंपरा पर। अब तो वैसा नहीं रह गया है, तो धनीगा शांति निकेतन जो है अभी देखिए उनको क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है,
उनको बनाया भी गया था, क्या है, गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर बनाया गया था। और ये कहाँ से आया है, उपनिषदों से आया है। और इसीलिए उपनिषदों में क्या है, इसीलिए इसको वेदांत कहा गया है, वेदांत कहा गया। देखिए वेदांग मतलब, देखिए वेदांग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वेदांग। तो वेदों के अंग को जानने के लिए जो हम व्याकरण का इस्तेमाल करते हैं, इसको इसको वेदांग कहते हैं और इसको वेदांत कहते हैं। इन दोनों शब्दों को अलग अलग याद रहे। जो शुद्ध साहित्य होता है इसमें उसको वेदांत कहा गया है, और जो उपनिषद है उसको वेदांत कहा गया है। वेदों के अंत अंत में जो ग्रंथ लिखे गए उसको वेदांत। और वर्तमान में जो हिंदू धर्म में जो दर्शन है, उपनिषद में क्या है, दर्शन फिलोसफी। आप लोग देखिएगा इस समय जितने भी दार्शनिक चीज पढ़ रहे भारतीय, वो दर्शन कहाँ से आया, आपके उपनिषद से। तो ये सारे ज्ञान कहाँ से हमें मिलते हैं, ये जो साक्ष्य यानी प्राचीन काल में साक्ष्य है उसी का आधार पर इसको मिलता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पहले जो ग्रंथ है धार्मिक ग्रंथ जिसे आप कहते हैं या लौकिक ग्रंथ जिसे कहते हैं, उसमें क्या है, आपका वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, आर्यन है और उपनिषद। और उसके बाद जो धार्मिक नहीं है उसमें पुराण है, स्मृति साहित्य है और शुद्ध साहित्य। ठीक है, वेदों में अभी आपको पता है कि स्तुति पाठ होता है, ब्राह्मणों ग्रंथ में क्या होता है, वेदों का व्याख्या की गई है, आरण्यक में जंगलों में लिखे गए किताब होते हैं जो व्यक्ति के अपने जीवन के अनुभव उसमें लिखी होती है। उपनिषद में क्या होता है, उपनिषद में गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना होता है। और इसमें देखिए क्या होता है, जब वानप्रस्थ के बाद जब व्यक्ति संन्यास ले लेते हैं, संन्यास लेते वक्त गुरु शिष्य परंपरा शुरू होता है। और इसमें दर्शन का बात है, जो गुरुकुल पद्धति है या गुरु शिष्य पद्धति है वो इसी उपनिषद से जाना जाता है, और वेदांत उपनिषद को वेदांत कहते हैं। और वर्तमान में हिंदू धर्म का जो दार्शनिक आपको पुट दिखाई देता है वो आपका उपनिषद से मिलता है। पुराणों में प्राचीन राजवंश का उल्लेख है, स्मृति ग्रंथ में कानूनों का उल्लेख है, और शुद्ध साहित्य में व्याकरण या विवाह का उल्लेख है। जो 8 प्रकार के विवाह जो वर्तमान में हमारे समाज में चलता है, वो 8 प्रकार तो चलते नहीं है लेकिन 8 प्रकार के है जो ग्रंथों में जिनकी उल्लेख की गई है, तो वो क्या होता है आपके शुद्ध साहित्य में से मिलता है। ठीक है, देखिए ये सारे चीजों को बताएंगे, इसके साथ साथ मेन है आपका टेस्ट सीरीज करवाएंगे कि मैक्सिमम क्या होता है टेस्ट करवाना, जिससे क्या होता है आपका जो भी चीज कवर नहीं हो पा रहा, नहीं आ पा रहा, तो वो सारी चीजों को हम क्या होता है कवर करने की बात करेंगे। टेस्ट बहुत जरूरी है, ये आप लोग जानते हैं कि इस समय टेस्ट जितना ज्यादा आप लोग देंगे उतना ही क्या होता है आपका बेनिफिट हो गए। किताब पढ़ने से ज्यादा टेस्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि तो समय कम है, जितना ज्यादा टेस्ट देंगे एक तो ह्यूमन एरर कम होंगे और दूसरा क्या होगा कि जो स्पीड है करने का वो भी अच्छा सही हो जाएगा, ह्यूमन एरर कम होगा। क्योंकि ह्यूमन एरर अगर 5-7 क्वेश्चन क्या होता है ह्यूमन एरर में निकल जाता है, वो अगर सही हो जाएगा तो आपको कंपटीशन से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं होगी। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं वेदों के बारे में। देखिए वेद 4 बताए गए हैं, वेद क्या है, 4 बताए गए हैं। एक आपका ऋग्वेद, एक आपका सामवेद, एक आपका यजुर्वेद और एक आपका अथर्ववेद। ये अथर्ववेद कहते हैं, अथर्ववेद। ठीक है, इस वेद को जो पुरोहित होते थे इसको होता या होतु कहते थे, होता या होतु, इसको उद्गाता कहते थे, इसको जो पढ़ने वाले व्यक्ति होते थे, इसको कहते हैं अर्धवायु और इसको कहते थे ब्रह्मा, ब्रह्मा ग्रह को कहा। तो ऋग्वेद को कोई भी सामान्य व्यक्ति उस समय नहीं पढ़ पाते थे, क्योंकि इसके में व्याकरण बहुत कठिन होते थे। तो इसलिए ऋग्वेद को पढ़ने वाला जो पुरोहित होते थे उसको होता कहते थे, सामवेद को पढ़ने वाले क्या होते हैं इसको उद्गाता कहते थे, उद्गाता मतलब बहुत उच्च स्वर में बोलना होता। यजुर्वेद जो है उसको पढ़ने वाले को अर्धवायु कहते थे, अर्धवायु कहते थे, समझिएगा। और अथर्ववेद को पढ़ने वाला है ब्रह्मवेद। अब देखिए जो ऋग्वेद है इसमें क्या होता है, स्तुति पाठ होता है, मेनली प्रार्थनाएं की जाती है। इसमें क्या है, स्तुति पाठ, श्लोक होते हैं उसमें स्तुति पाठ होती है। इसमें क्या है, संगीत, प्राचीन संगीत का साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है, सामवेद से।
इसमें क्या है, कर्मकांड, यानी जो आप लोग या हम लोग जो शादी ब्याह में या मंदिर में जो पूजा पाठ करते हैं, वो जो कर्मकांड है या यज्ञ वगैरह जो करते हैं, वो सारे चीज यजुर्वेद में हमें उल्लेख मिलता है। और इसमें क्या है, एक तो चिकित्सा, उसके बाद आपका जादू टोना। और देखिए वही जो जादू टोना है ना, आज ये विकसित होके ये विज्ञान बन गया। शुरू कहाँ से हुआ था, जादू टोना से हुआ था, और आज क्या है, ये विज्ञान बन गया। आप लोग बहुत सारे जो जादू आप लोग मैजिक देखते हैं, इसमें बहुत सारे विज्ञान के जो एक्सपेक्ट होते हैं उसको यूज किया जाता है। इसे बहुत सारे क्या होता है कि कभी कभी देखे होगा किसी के सर पे आग लगा देते हैं, लेकिन उसके बाल वगैरह जलते वगैरह नहीं है, जो कपूर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे पदार्थ आपके नाक या चेहरे के आसपास, नाक के आसपास लगा देते हैं, जिससे लोग बेहोश हो जाते हैं। इसमें भी क्या केमिकल होता है, तो ये सारे चीज क्या है, विज्ञान का ही देन है। तो पहले जागरूक ना था, आजकल विज्ञान का रूप ले लिया। तो इसमें संगीत के बारे में, सामवेद सबसे प्राचीन है, इसमें होता है। और सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो वाद्य यंत्र है, इसको वीणा कहते हैं। वीणा आप लोग देखे होंगे जो सरस्वती जी के पास है, तो वीणा जो है वो हमारे यहाँ पे सबसे पहले जो संगीत के वाद्य यंत्र है वो क्या था, वीणा। ठीक है, ये सभी क्या है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद पद्य में लिखा गया है, लेकिन जो यजुर्वेद है ये पद्य और गद्य दोनों में लिखा है, यानी प्रोज और पोएट्री दोनों में लिखा गया है, पद और गद्य दोनों में लिखा गया है। इसमें देखिएगा, इसके दो भाग है, यजुर्वेद के दो भाग है, एक है कृष्ण यजुर्वेद और एक है शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद ये दो इसके भाग है, और इसको गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, धन्यवाद। एक ही है, तो ये क्या है, वेद है, वेदों के बारे में है, और उनके अलग अलग पढ़ने के लिए जो होते हैं उनका अलग अलग इसमें व्यक्ति होते हैं। और सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन, या अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो वो भी ऋग्वेद है। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ या भारत का सबसे प्राचीन बुक कौन सा है, लिटरेचर कौन सा है, तो वो क्या है, ऋग्वेद। ऋग्वेद से पहले हमारे यहाँ पे कोई भी ना तो मौखिक और ना तो कोई क्या है, लिखित कोई बुक या टेक्स्ट बुक या कुछ भी नहीं मिला है। ठीक है, तो ऋग्वेद क्या है, सबसे प्राचीन लिखा हुआ है। और इनका जो संकलन, देखिए पहले इसको संकलन नहीं किया गया था, बल्कि मौखिक था। बाद में एक व्यक्ति का नाम सुने होगा, कृष्ण, देवपायन, देवपायन वेद व्यास। ये जो वेद व्यास जी है, कृष्ण देवपायन वेद व्यास, इन्होंने वेदों का क्या है, संकलन किया है, उसको कहते हैं कंपोजिंग कहते हैं। कंपोजिंग करना है, एक जगह पे उसको संकलन करना है, उसको किसने किया है, कृष्ण देवपायन व्याघ्रवेद जी ने इनको किया गया है। तो इसको हम के वेदों से बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इसको जरा डिटेल से जानिएगा ये क्या है। आगे देखते हैं हम, तो ये तो आपके धार्मिक साहित्य हुए। धार्मिक के बाद आता है, कुछ ऐसे साहित्य आता है जिनके पूरे सभी का अध्ययन हम यहाँ पे नहीं करेंगे, कुछ आगे भी हम करेंगे। तो देखिएगा महाभारत और जो मेनली महाकाव्य जो आता है, महाकाव्य के बारे में तो जान लेते हैं। देखिएगा जो आप लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, जो महाकाव्य, दो महाकाव्य हमारे भारत में प्राचीन दो महाकाव्य है, एक है आपका महाभारत और एक है आपका रामायण। देखिएगा ऐतिहासिक कालक्रम के हिसाब से अगर देखा जाए तो रामायण पहले हुआ है और जो महाभारत है वो बाद में हुआ है। लेकिन अगर एक्सपेंशन यानी विस्तारवाद के हिसाब से देखा जाए तो महाभारत पहले हुआ है और रामायण बाद में हुआ, क्योंकि तो अभी आप आगे पढ़ेंगे, जब यहाँ पे वैदिक लोगों का आगमन हुआ था, तो ये लोग क्या है, पश्चिम से पूरब की ओर गए थे, यानी जो इस समय के जो पंजाब, सिंध,
यहाँ से होते हुए बिहार की तरफ या उत्तर प्रदेश की तरफ गया है, तो डेवलपमेंट के हिसाब से ये देखा जाए। दूसरी बात है कि महाभारत में जितने लोगों का उल्लेख किया होता है और जिन अस्त्र शस्त्र का उपयोग किया गया है वो ज्यादा उन्नत है रामायण से। रामायण का जो महाकाव्य है वो कम डेवलप है, और जो महाभारत का जो हथियार है वो ज्यादा है, लोग भी ज्यादा है। रामायण में देखे होंगे मनुष्य के साथ साथ क्या होता है, युद्ध में जैसे बंदरों का या हनुमानों का या जो भी पशु पक्षी है उनका भी इस्तेमाल किया गया है। तो इससे भी लगता है कि जो रामायण है वो प्राचीन है, और ऐसे भी कालक्रम के हिसाब से भी देखा जाए तो भी क्या है, जो धार्मिक कालक्रम के हिसाब से उसमें भी पुराना। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं दो महाकाव्य है कौन कौन सा है। एक तो आपका हो गया रामायण, दूसरा ये जो रामायण है देखिए पहले इसमें क्या था, 12,000 श्लोक जो वाल्मीकि ने जो रामायण लिखा है उसकी बात बोल रहा हूँ, तुलसीदास जी का रामायण की बात नहीं कर रहा, तुलसीदास के रामायण तो बहुत बाद में लिखी थी। उसके बाद इसमें बहुत सारे और चीज जुड़ते गए, तो वर्तमान में जो वाल्मीकि रामायण है उसमें 24,000 श्लोक है, तो मान लो डबल हो गया है। जो बात वाल्मीकि जी ने बताया है उनसे क्या होता है, और भी चीज अलग अलग समय पर इसमें जुड़ता है। ठीक है, तो ये जो रामायण है उनसे क्या है, वाल्मीकि रामायण कहते हैं इसको। और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई, ध्यान दीजिएगा, संस्कृत में लिखी गई है। तो 12, देखिए आप लोगों ने रामायण जो सीरियल रामानंद सागर वाला सीरियल अगर आपने देखा तो पहला एपिसोड देखिएगा आप लोग, थोड़ा तो इंफॉर्मेशन गैदर कीजिएगा जहां से आप पढ़ सकें। देखिए उसमें पहली बार जो उसमें लिखी रहती है कि ये जो रामायण बनाया गया है भारत में 24 प्रकार के जो रामायण है उनके अलग अलग प्रसंगों को लेके बनाया गया है, और इसमें क्या है कोई एक रामायण से नहीं बनाया गया। ऐसे भारत में 24 रामायण नहीं है, 300 से ज्यादा अलग अलग भाषाओं में रामायण लिखी गई है। जो वाल्मीकि जी का रामायण है उसको ज्यादा ऑथेंटिक मानते हैं, लेकिन क्या है जब तुलसीदास जी का रामायण है तो संस्कृत के अपेक्षा जो अवधी भाषा है ना उसमें लोगों को समझने में आसानी हुआ है, इसलिए क्या है तुलसीदास वाला जो रामायण है या जिसको आप रामचरित मानस कहते हैं वो ज्यादा फेमस हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल एक दो ही रामायण है, भारत में 300 से भी अधिक रामायण है। और दक्षिण भारत के जो रामायण है जिसको कम्बल रामायण कहा जाता है उसमें तो बहुत सारे और अलग अलग ढंग से उसको रामायण को व्याख्या की गई है। उसमें बताया जाता है जो सीता जी है वो रावण की बेटी थी और राम ने उनसे क्या है जबरदस्ती शादी कर ली थी, और इसीलिए क्या होता ये जो लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो इसमें क्या है अलग अलग प्रसंग है, उसमें मत जाइएगा। मेन क्या है रामायण क्या है, एक महाकाव्य है जो वाल्मीकि द्वारा पहले लिखी गई थी, बाद में जो तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया इसको रामचरित मानस कहते हैं, बाद में क्या है इसी को तुलसीदास द्वारा लिखे गए 16वीं सदी में, और इसको कहते हैं राम चरित मानस। और इसका भाषा क्या है, अवधी है, ये अवधी भाषा में लिखे गया जिसको जन भाषा कहा जाता है, जो यूपी में बहुत ज्यादा, यूपी बिहार इस साइड में बहुत ज्यादा चल जाता है, मध्य प्रदेश साइड में, इसलिए क्या ये ज्यादा फेमस हो गया। तो रामायण क्या है एक कहानी है जिसको आप मानते हैं, देखिए धार्मिक इतिहास में हम जो तो धर्म वाला पुट को थोड़ा सा अलग मान के चलते हैं तो वो वाला इसको समझ लीजिएगा। उसके बाद महाभारत आता है, क्योंकि महाभारत दूसरा महाकाव्य आता है महाभारत। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था उत्तराखंड में महाभारत का प्राचीन नाम क्या है, महाभारत का प्राचीन नाम है जय संहिता। देखिए महाभारत में पहले क्या था, जब जय संहिता लिखी गई थी तो इसमें 10,000 श्लोक थे, कितने श्लोक थे 10,000,
जब इसमें श्लोक की संख्या बढ़ती गई उसको भारत कहा गया, क्योंकि इसमें जो मेन कहानी है वो भरत वंश से संबंधित है। अब बोले भरत वंश से क्या संबंध है, ये जो आप लोग जानते हैं उत्तराखंड में एक जगह है जिसको कण्व आश्रम कहते हैं, आप लोग जानते हैं, जो आपका पौड़ी गढ़वाल में है, वहां पे एक व्यक्ति का जन्म हुआ था जिसका नाम था भरत, जो शकुंतला वाला कहानी आप लोगों ने सुना होगा, तो इसी के वंशज मानते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो अगर ऐतिहासिक साक्ष्य देखा जाए, यानी ऋग्वेद की अगर बात किया जाए, तो उसमें भरत कुल के लोग रहते थे। ऐसे लोग रहते थे भरत कुल के लोग, तो भरत कुल के जो लोग थे तो उनके जो भरत कुल के जो लोग थे तो उसी कुल के नाम पे यह भारत पड़ा था। तो भारत जब हुआ तो इसमें 60,000 श्लोक हो गए, समझिएगा इसमें क्या है, 60,000 श्लोक हो गए। जब यह श्लोक क्या हो गया, 1 लाख हो गया, 1 लाख, तब इनका नाम महाभारत कर दिया। और महाभारत में 18 पर्व है, अलग अलग कालखंड है उस पर्व से है। और रामायण में 8 क्या है, कांड है, इसमें काल पर्व कहते हैं, उसमें कांड कहते हैं, सुंदर कांड का नाम सुना होगा, बचपन कांड वो होता है, उसमें लव कुश कांड सुना होगा, तो ये अलग अलग, उसमें रामायण में कांड कहते हैं और जो महाभारत है इसमें क्या है, इसको पर्व कहते हैं, 18 पर्व। जो दो कबीलाई का युद्ध है, और कबीलाई का युद्ध क्या होता है, इतना विशाल हो जाता है। देखिए रामायण में जीवन को कैसे जिया जाए इसके बारे में बात की गई है, और जो महाभारत में है युद्ध को कैसे जीता जाए, इसे देखिए, जय संहिता, जय मतलब किस तरह से विजय प्राप्त किया जाए, चाहे कैसे भी साम दाम दंड भेद किसी का भी इस्तेमाल कीजिए। देखिए महाभारत में कृष्ण के जो भी कूटनीतिक आइडियाज रहे हो, या जो कूटनीति कहे चाहे रणनीति कहे, उनमें क्या होता है, इन सारे चीजों का चीज मिलता है, या चाहे शकुनी ने जितने भी चीज की चाल चलाई है उसमें क्या है, इसी प्रकार से युद्ध को जीतना है। तो महाभारत का मतलब होता है युद्ध को जीतना। और इसी महाभारत का जो पर्व है जिसको भीष्म पर्व कहते हैं, इसमें एक पर्व है जिसको कहते हैं भीष्म पर्व, इसी में क्या है, जो भगवत गीता का उपदेश, जो कृष्ण का जो उपदेश है भगवत गीता, इसका उल्लेख किया गया है। और इसमें नहीं रहा, जो गीता है, गीता नहीं भगवत गीता में ये चीज बताया गया है कि किसी भी प्रकार से युद्ध को जीतना, युद्ध को तो नहीं कह सकते, किसी भी प्रकार से अपने कार्यों को सिद्ध करना, अपने कार्य के प्रति ईमानदार कैसे बना जाए। इसलिए देखिएगा आप लोगों ने अगर बहुत सारे सीरियल देखे होंगे, उसमें युद्ध के बाद क्या होता, अर्जुन ने श्री कृष्ण से एक बार फिर से बोले थे कि महाभारत के युद्ध में मुझे जो गीता का ज्ञान दिया थे आपने, उसको एक बार फिर से बताइए। तब श्री कृष्ण बोलते हैं कि देखिएगा वो किसी उद्देश्य के लिए दिया गया था, उद्देश्य खत्म हो गया, अब उस ज्ञान का उतना ज्यादा महत्व नहीं रह गया। इसलिए गीता क्या है, किसी उद्देश्य को करने के लिए, शरीर को या मन को एकाग्र करने के लिए बनाया गया है, या उपदेश दिया गया था। इसलिए गीता पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि कोई, इसलिए गीता को धार्मिक से ज्यादा क्या होता है, मैनेजमेंट बुक ज्यादा बनाता है। गीता पर क्या होता है, आप लोग जानते हैं जो कानपुर में आईआईटी है, कानपुर है, इसमें अभी रिसर्च हो रहा है कि उसमें क्या क्या कौन कौन सा ऐसे चीज है जिसमें मैनेजमेंट की गई है। इसलिए भारत के जो धार्मिक महत्व वाले जितने भी देवी देवता है उनमें श्री कृष्ण को सबसे बड़ा मैनेजमेंट गुरु माना जाता है, कि एक युद्ध को या एक इवेंट को कैसे मैनेज किया जाए। तो अब लोग देखे होंगे सीरियल, तो उसी के हिसाब से समझिएगा। तो दो महाकाव्य है, एक वाल्मीकि और एक महाभारत। महाभारत को क्या है, इनको भी वेद व्यास जी ने लिखा है, लिखा क्या, संकलन किया है, ठीक है, लिखा किसी ने नहीं है बल्कि सभी ने संकलन किया है, समझिएगा। लेकिन आप लोग जानिएगा एक चीज, बताइएगा उत्तराखंड में आप लोग रहते हैं, पता है कि उत्तराखंड में कहाँ पर वेद व्यास और गणेश गुफा है, जहां मानते हैं कि वेदव्यास जी ने महाभारत को अपने मुंह से बोले थे और गणेश जी ने इनको क्या है लिपिबद्ध किए गए थे। ये गुफा कहाँ पे है आप लोग बताइए, उत्तराखंड में ही है, कहाँ बद्रीनाथ में? पे?
बदरीनाथ बाड़ा गांव के निकट। ये आपको डिस्ट्रिक्ट भी बता देता हूँ, चमोली में है। डिस्ट्रिक्ट भी आपको बता देता हूँ, चमोली में है। सर बद्रीनाथ के नजदीक। हाँ बद्रीनाथ के नजदीक तो है, वही चमोली में तो बद्रीनाथ ही है। आप माणा लोगों ने गांव। एक जगह का नाम सुना था, माना गांव। माना गांव के नजदीक में एक पुल बना हुआ है जिसको पाषाण पुल कहते हैं, उसी के में ये सारे गुफाएं है। वहां पे बहुत सारे गुफाएं है, तो इन गुफाओं में माना जाता है कि इन्होंने यहाँ पे ऐसा किया। कहाँ पे है, चमोली में। तो देखिए ये धार्मिक फूट है, लेकिन हमें उतना धार्मिक में नहीं जाना है, क्योंकि तो हमें इतिहास को मद्देनजर में जाना है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, इतिहास कहानी नहीं है, पहली बात समझिएगा। इतिहास को कहानी मत समझिएगा, क्योंकि इतिहास में दो शब्दों को याद रखिएगा, एक है इसमें बदलाव यानी परिवर्तन, और दूसरा है उसमें नए चीज का आना। नए चीज का आना कैसा है, क्योंकि इतिहास में अगर कोई बदलाव नहीं होगा तो वो इतिहास नहीं कहलाएगा। देखिए क्या होता है, धार्मिक पुस्तकों में बदला बहुत नहीं हो पाता है, इसलिए धार्मिक पुस्तकों को हम ऐतिहासिक पुस्तक नहीं कह सकते, इसमें दिक्कत होने लगेंगे। तो इतिहास क्या होता है, हमेशा बदलता रहता है, और क्या होता है उसमें पूरी तरह से बदलता नहीं है, ये भी है। अब क्या है, कोई व्यक्ति का नाम है या कोई स्थान है वो तो नहीं बदलेगा ना, लेकिन उसका थॉट बदल जाएगा। आज से पहले 10 साल पहले आप जिस प्रकार के वस्त्र पहनते थे, आज वही वस्त्र नहीं पहनेंगे। तो क्या है, वस्त्र तो पहनते हैं ना, लेकिन वस्त्र के क्या होता है, डिजाइन बदल चुका है। तो इसलिए इतिहास क्या है, एक कंटिन्यूटी के साथ साथ भी क्या है, स्थायित्व की बात करता है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, इतिहास सबको पढ़ना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई करते हैं चाहे नहीं करते। इतिहास से क्या होता है, गलतियां जीवन में कम होती है, और इतिहास को जो नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए गलतियां बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और फिर आप जानते हैं आजकल आदमी इतना ज्यादा टेंशन में रहते हैं, तो टेंशन को खत्म करने का भी क्या है, ये सारी चीज है। लेकिन क्या होता है, इतिहास को पढ़ने के लिए तर्कशील होना बहुत जरूरी है। लॉजिकल से इतिहास को पढ़िएगा तो रटना नहीं पड़ेगा। बोल तो रहा हूँ अभी कि इतिहास में परिवर्तन भी होता है और स्थायित्व भी होता है, इसलिए इसको रटेंगे तब इतिहास को पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, और इस उम्र में हम लोग रट भी नहीं सकते हैं, इसको क्या है हमको मालूम है। तो ये हो गया। देखिए इसके साथ साथ क्या होता है, साहित्य में दो प्रकार के साहित्य और भी है। एक साहित्य है वो धार्मिक तो नहीं है, लेकिन क्या है, एक यूनानी साहित्य है, एक यूनानी साहित्य है, और एक है आपका चीनी साहित्य। इसको क्या है, आगे हम बताएंगे, इसलिए आपको यहाँ पे उसमें चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इसको दोनों के बारे में बता देता हूँ। आप लोगों ने यूनानी साहित्य के बारे में बहुत सारे साहित्य, देखिए यूनानी बोल रहा हूँ, तुर्की नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, या मुस्लिम नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, यूनानी। देखिए भारत में सबसे पहले अगर आक्रमण किया है वो है यूनानी ने किया था, मुस्लिम तो बहुत बाद में बनाए। तो यूनानी जब आए थे, आप लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक व्यक्ति आया था, इसका नाम था मेगस्थनिक्स। मेगस्थनिक ने बुक लिखा इंडिका, इंडिका के बारे में भी प्राचीन बहुत सारी चीजें मिलता है। उसके बाद इससे भी पहले जो बहुत सारे लोग आए थे, जिसमें था प्लेम्बो हुआ या प्लेटो हुआ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत में आए भी थे और जो नहीं भी आए थे, इनके बुक में भी क्या होता है, भारत के इतिहास के बारे में बहुत सारे चीजों को हमें देखने को मिलता है। ये जब आगे आएंगे तो उसके साथ यूनानी आपका कहता रहेगा, उसके साथ बता देता हूँ। उसके बाद चीनी यात्री फायन का नाम सुने होंगे, ह्वेनसांग के नाम सुने होंगे, इत्सिंग के नाम सुने, इस तीन व्यक्ति का नाम तो आपने सुने होंगे। उन्होंने भारत यात्रा करने के लिए आए और बहुत सारे चीजों को उन्हें लिखा, तो वो भी क्या है, साहित्यिक साक्ष्य। तो ये बहुत सारे साहित्यिक चर्चा, और इसमें एक बुक और इसमें आ जाता है, वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी क्या होता है, हमें जानकारी मिलती है कि बहुत सारे हमारे प्राचीन काल के जो ज्ञान विज्ञान है या जो नगर व्यवस्था है उनके बारे में, समाज व्यवस्था कैसा था, उसके बारे में हमें जानकारी मिलता है। तो